हाय दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं इंडियन याकर और मैं आपका दोस्त हूँ राहुल निगम। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। वो वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि आप जब भी कार चलाते हैं तो वो दोनों चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट होती है जो आपकी कार में आपको रखना पड़ती है। तो दोस्तों, ये वीडियो में आप बने रहिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। क्योंकि कार में आप हर चीज़ रखते होंगे, जैसे आप अपनी गणेश जी की मूर्ति रखते होंगे या फिर आप कार में गोदरेज का एयर प्यूरीफायर रखते होंगे। ठीक है, बाकी काफ़ी चीज़ें होती है जो आप रखते होंगे, लेकिन दो चीज़ें ऐसी होती है जो आपको हमेशा अपनी कार में लॉन्ग ड्राइव पे जाते समय या कभी भी रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो आप बने रहिए मेरे दो वीडियो के में और मैं आपको बताऊँगा कि ये दोनों चीज़ें क्या होती है। क्योंकि जब भी मैं आपके लिए कोई वीडियो लाता हूँ, मैं काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो उसमें जानकारी होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दोस्तों। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। नीचे एक लेफ्ट साइड में एक बटन आ रहा होगा रेड कलर का, उसको दबा के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं बताता हूँ आपको कि दो जो खास चीज़ें होती है वो आपकी कार में रखना ज़रूरी कौन सी है। तो बता देता हूँ, एक तो गाड़ी के कागज़, जो कि आप जैसे ओरिजिनल RC, PUC और आपका लाइसेंस, ये तीनों चीज़ें ओरिजिनल आपके वॉलेट में होना चाहिए और साथ साथ में उसकी फ़ोटो कॉपी जीरोक्स करा के भी आपको रख लेनी चाहिए। जैसे कि देखिए मैंने रखी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ मैंने इसमें क्या क्या रखी हुई है। मैंने पहले एक रजिस्ट्रेशन रखा हुआ है अपनी गाड़ी का, RC की फ़ोटो कॉपी जीरोक्स, ओके। और उसके बाद मैंने रखा है PUC का जीरोक्स, PUC करा के आप उसका जीरोक्स रखिए। और उसके बाद है आपका जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस का भी कॉपी आप अपने इसमें रखिए कार में। और उसके बाद एक आपका कोई भी ID, जैसे आधार कार्ड या आपका कोई पैन कार्ड का जीरोक्स, और आपका खुद का लाइसेंस, गाड़ी का ड्राइविंग का लाइसेंस और RC। तो ये तीन चार चीज़ें आपको रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो एक चीज़ तो ये हो गई, क्योंकि और उसके बाद दूसरी चीज़ें बहुत ज़रूरी है जो कि है फर्स्ट एड बॉक्स दोस्तों। फर्स्ट एड बॉक्स इसलिए ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि कभी कभी हम जब भी जाते हैं तो कभी इसकी इम्पोर्टेंट इसलिए रहती है कि कभी ये जैसे हमारे साथ जो पैसेंजर होते हैं, को पैसेंजर होते हैं, या किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी वोमिटिंग हो जाती है, कभी बुखार आ जाती है, कुछ भी छोटी मोटी चोट लग सकती है कहीं पर, तो उसके लिए रास्ते में कोई मेडिकल नहीं हुआ तो आपके कार में ही ये सब चीज़ें होना चाहिए दोस्तों। तो ये जो मेडिकल बॉक्स है दोस्तों, ये जो फर्स्ट एड बॉक्स है, ये फर्स्ट एड बॉक्स में मैंने क्या क्या रखा हुआ है इसके लिए मैं आपको इस वीडियो में इसमें बताऊंगा थोड़ी देर में कि इसमें क्या क्या आइटम है। लेकिन आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कार में चलें दोस्तों, तो ये एक फर्स्ट एड बॉक्स आपकी कार में होना ही होना चाहिए, जो कि आप रख सकते हैं आसानी से, जो कि ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको, और गाड़ी के कागज़ जो मैंने आपको सब बताया दोस्तों। तो आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगेगा और मैं बताता हूँ अभी इसमें क्या क्या है, नेक्स्ट आप देख लीजिएगा और उसके बाद प्लीज़ लाइक कीजिएगा जो मेरे चैनल को, इंडियन याकर को। तो दोस्तों, फर्स्ट एड बॉक्स का जो बॉक्स है ये इम्प्टी आप मंगा सकते हैं फ्लिपकार्ट से, जो कि करीब अप्रोक्स 300 का आएगा। इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन इसके अंदर का जो भी मेडिसिन से या जो भी आइटम्स है वो हमें इंडिविजुअली जाके मेडिकल से ला सकते हैं। तो देखिए हमें इसके अंदर मैंने क्या क्या रखा हुआ है, जो काफ़ी काम की चीज़ें हैं दोस्तों। फर्स्ट में ये जिप, एक ये जिप चेन वाला होता है, इसके अंदर आप मेडिसिन रख सकते हैं बेसिकली। देखो ये कितना बड़ा होता है मैं आपको बता दूं कि ये देखिए आप, मेरे जो हाथ है ये अप्रोक्स इतना बड़ा है, और ये देखिए अप्रोक्स इतना बड़ा, ठीक है। तो इसमें आप अपनी बैंडेड रख सकते हैं लंबी वाली, नहीं एक बैंडेड आप स्क्वायर जो सर्कल टाइप से होती है वो रख सकते हैं। और उसके बाद आप इनो या फास्टो गेसो फास्ट या कुछ भी आप एक एसिडिटी के लिए इनो रख सकते हैं। और इसके बाद मैंने कुछ मेडिसिन रखी हुई है, और जो भी मेडिसिन आप रखते हैं उसके एक बार आप छोटा सा कागज़ में उसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिख के आप रख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है। इसके अंदर मेडिसिन है जो मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए। तो जैसे कि ये मेडिसिन है, आप एक पुदीनहरा रख सकते हैं, राइट, पुदीनहरा एक टेबलेट। और इसके बाद आप वोमीफोर्ड, कोई भी वोमिटिंग की वो एक टेबलेट रख सकते हैं, ओके, वोमीफोर्ड। इसके बाद डाइजिन टाइप से, ये एक्चुअली दूसरी है, ये जेलोसिल है, लेकिन आप डाइजिन रख सकते हैं, ओके। उसके बाद है आप कोई भी ओरासिन या कोई भी बुखार की या फीवर की गोलियां, इसमें एक टेबलेट रख सकते हैं।
और ये एसीडीटी की है, एसीडीटी की आप भी कोई रख सकते हैं दूसरी, और डिस्प्रिन रख सकते हैं सर दर्द या कोई भी पेन रिलीफ के लिए। और ये भी है जो कि सी फ्लाम, ये भी फीवर और पेन के लिए है। तो कोई भी ये इस टाइप के कुछ मेडिसिन्स आप रख सकते हैं, लेकिन जब भी आप मेडिसिन रखें, जैसे मैंने ये भी रखी हुई है, एक ओमेगा की कॉम्बिफ्लेम भी रखी हुई है मैंने। ओके दोस्तों, पर जो भी आप रखें उसमें एक छोटा सा कागज़ में आप इसको मेंशन करके रख सकते हैं। तो मेडिसिन हो गया, इसके अलावा आप यहाँ पे बर्नोल या कोई भी जलने वाला क्रीम अपने पास रखिए, जो जलने के बाद रिलीफ दे। सिल्वर नाइट्रेट एंड क्लोरोनाक्साइड क्लोरोक्वेट क्रीम, मैंने बर्नेट रखा हुआ है, आप बर्नोल या कुछ भी रख सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट आइटम है वो है पोविडिन। ओके, पोविडिन जब आपको कोई लग जाती है या कोई चोट वोट लग जाती है तो आप उस पर पोविडिन आयोडीन ऑइंटमेंट रख सकते हैं एक। और इसके बाद है वोलिनी या आयोडेक्स का क्रीम, ओके छोटा। और उसके बाद है एक विक्स वेपोरम छोटा वाला। उसके बाद एक टेप आती है जो चिपक जाती है स्किन पे, उस टाइप की टेप रख सकते हैं। और एक वॉलिनी का स्प्रे या कोई दूसरा स्प्रे जो कि मैंने अभी रखा हुआ है, ये ओमिनी जेल मैंने सिप्ला का रखा हुआ है, पर आप कोई वॉलिनी या कोई भी स्प्रे जो दर्द निवारक होता है पेन रिलीफ वाला वो रख सकते हैं। ओके, उसके बाद ये बैंडेड बैंडेज पट्टी बांधने के लिए, और ये कॉटन, ओके छोटा। और उसके बाद ये सिप्लाडिन पाउडर जो अपन चोट लगने के बाद लगाते हैं, एक पाउडर रख सकते हैं छोटा छोटा सा। एक सीजर रख लीजिए, और छोटा डेटोल या सेवलॉन होना चाहिए आपके पास। ओके, उसके बाद एक छोटा सा ये इस टाइप का एक ये जो चिमटी होती है, हम चिमटी बोलते हैं हिंदी में, इस टाइप का एक जो जैसे कभी कुछ कांटा वांटा लग जाता है तो आप इसे पकड़ के आसानी से निकाल सकते हैं। और ये तो पट्टी मैंने बता ही दी, पट्टी ज़रूरी है बहुत। और दोस्तों एक छोटी सी माम, तो ये चीज़ें जब भी आप जाते हैं कार में कहीं लॉन्ग टूर जाते हैं तो ये सब चीज़ें आपके साथ होती है, तो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। तो हाय फ्रेंड्स, आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मेरा बस यही सजेशन है कि जब भी आप लॉन्ग ड्राइव पे जाएं या जब भी कार में एक छोटा सा फर्स्ट एड बॉक्स पीछे रखा होना चाहिए दोस्तों। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। यदि कुछ चीज़ें मैंने मिस कर दी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसे मेंशन कीजिए, मतलब जो फर्स्ट एड बॉक्स में आप रख सकते हैं, और ये काफ़ी हेल्प करेगा दूसरों को दोस्तों। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वंदे मातरम और भारत माता की जय, जय श्री राम।